हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को पिंकू मनोविष्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज नए दिन के साथ समय हो चुका है साढ़े सात और मैं उठ गई हूँ। मम्मी चले गई है घास के लिए, तो मैं बनाऊँगी अब रोटी। मम्मी ने कहा तो रोटी बना, मैं तब तक घास ले जाती हूँ। तो और गला पता नहीं आज ज़्यादा दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों। तो उठ अब मैं झाड़ू मार दिया, अब मैं बनाऊँगी रोटी सब्जी बनाती हूँ मैं झाड़ू मार के। और मौसम और का बहुत ही ख़राब, आज भी बादल लगे हैं, देख सकते हो आप लोग। उधर वाला गांव कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि बीच में कोहरा लगा है पूरा। आज भी मौसम ख़राब है, क्या पता बारिश आ सकती है। और गुन्ना बैठी है बाहर में। तो मैं अब बना रही हूँ थोड़ा हलवा, मतलब सूजी। इतनी ठंड है तो चाय में मेरा मन भी कर रहा है, तो मैं थोड़ी सूजी बनाऊंगी, उसके बाद सब्जी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। तो मैंने बना दिया हलवा और खा भी दिया आधा, ये देखिए चाय के साथ। दोस्तों हमने नाश्ता नाश्ता कर दिया है क्योंकि 10:30 हो गया हाँ 10:30 हो गया। और मम्मी लोग चले गए अपने रोजगार गारंटी पे, मतलब साई में काम करना है, रोजगार गारंटी का काम है उनका वो। और पापा भी वहीं हैं और दादी और लोग भी हैं। तो नाश्ता नाश्ता होकर मैंने बर्तन वर्तन सफाई कर दी, झाड़ू मार दिया। अब मैं थोड़ा कपड़े सुखाने डालती हूँ क्योंकि आज सुबह तक तो बारिश थी, उसमें धुंधला था, अभी बहुत ही साफ हो गया मौसम और धूप लगी बहुत तेज़ की। तो आजकल लोग होते हैं ना बारिश की वजह से सीलन की बदबू, तो मैं कपड़े धूप में डाल देती हूँ। और जो मैंने कल परसों के धोए थे वो भी गीले हो रखे हैं क्योंकि धूप नहीं लगी थी, कम ही सूखे। उनको भी मैं सुखाने डाल देती हूँ धूप में। उसको देख सकते हो सुबह बहुत ही कोहरा लगा था और अभी मौसम साफ हो गया, मतलब धूप लगी। उधर तो है कोहरा पर, तो मैंने ये डाल दिया सुखाने के लिए झंगोरा। और इधर कपड़े, अब मैं चाय ले कर जाती हूँ मम्मी लोगों के लिए। चलिए तो मैं भी ले जा रही हूँ चाय। और बहुत तेज़ की धूप लगी है, पता नहीं अब सुबह था तो बारिश थी, अभी बहुत तेज़ की धूप लगी। यहाँ लंगूर भी आ रखे हैं बहुत सारे, तो मैं चाय लेकर जाती हूँ मम्मी लोगों के लिए। उसके बाद मुझे खाना ही बनाना है क्योंकि अभी हो गया है टाइम 11:30 हो गया है। दोस्तों आज मैं मिट्टी के लिए भी जा रही हूँ एक कट्टा, और मिट्टी लाऊंगी। और भैंस मेरे आज भाग गई जल्दी, तो मैं उनके पीछे से चलेगी। तो जब वो थोड़ा रहेंगे तो उसके बाद मैं मिट्टी को जाऊंगी। मिट्टी के लिए ऊपर जाना पड़ता थोड़ा। चलिए दोस्तों मैं मिट्टी के लिए पहुँच गई हूँ यहाँ पर ऊपर। अब यहाँ से तो उधर जाना है मुझे, और मैं जहाँ से आई नीचे से तो देख सकते हो मैं नीचे भैंसों के साथ ही फील्ड में, और हमारा घर है उस बांझों की पेड़ के नीचे। मुझे वो गांव दिख रहा है उसके आमने सामने भी। तो वहाँ से हम यहाँ आते हैं बिस्काउच पर, और यहाँ लोगों की गाय भैंस, किसी के चले गए घर, किसी के अब जा रहे हैं, और किसी के भी जंगल हैं इधर। तो मैं यहाँ से चढ़ाई करके और मिट्टी के ले जाना है मैंने इधर पे। तो मम्मी लोग भी आए हैं और भाभी लोग भी आए हैं इधर। तो चलिए तो यहाँ पर निकालते हम लाल मिट्टी। तो हमें यहाँ लाल मिट्टी के लिए इतने दूर आना पड़ता है चढ़ाई करके। और नीचे बैल भी हैं जंगल में, बैल। इधर लोग भी जा रखे हैं बांझ पत्ते के लिए, तो उधर है वो शायद। और मैं इस मिट्टी को देखती हूँ शायद मेरे से मम्मी तो पता नहीं कहाँ गई, आ जाएगी। तब तक मैं देखती हूँ इसको खुदाई करके।